अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी आपकी दुआ से खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर न्यू पेरेंट स्कीम 2024 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ये जो आज की पेरेंट स्कीम हम आपके साथ शेयर करेंगे तो वो फिजिक्स स्कीम 2024 होगी, और ये 12वीं क्लास की है। स्टूडेंट, बगैर वक्त ज़ाय के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और वीडियो को आप लोगों ने पूरे ध्यान से देखना है। और 12वीं क्लास की जो पेरेंट्स स्कीम है वो तमाम चेंज हो गई है, तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है। स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और ये देखें स्टूडेंट्स, इधर लिखा हुआ फिक्स फिजिक्स, और ये 2024 के लिए बनाए गए स्टूडेंट्स। एमसीक्यू जो होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे आप लोगों के इधर से 17। यहाँ से स्टूडेंट थोड़ा सा गौर कीजिएगा, चैप्टर नंबर जो आप लोगों का 12 है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, और चैप्टर नंबर 13 में से 1, और चैप्टर नंबर 14 और 15 से 2 2 एमसीक्यूज आएंगे स्टूडेंट। 16 में से भी 2, और 17 में से 1, और 18 में से और 19 में से 2 2 एमसीक्यूज आएंगे, और 20 मतलब 20वें चैप्टर में से आप लोगों का 1 एमसीक्यूज आएगा, और 20 मतलब 1 मतलब 21वें चैप्टर से आप लोगों के 2 एमसीक्यूज आएंगे स्टूडेंट्स। और उसके अलावा स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप देखें कि शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, 50% जो होंगे वो आप लोगों के एक्सरसाइज में से होंगे, और जो 50% होंगे वो होंगे कंसेप्चुअल और एनालिटिक बेस पे। स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है आप लोगों ने, इस मरतबा वाकई पेपर बहुत ही मुश्किल होंगे, हम आप लोगों को पहले बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, और आप लोगों ने उसमें से 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12, 14 और 21 का 1 पे 1 क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, और इसमें से इन तीनों चैप्टरों में से आप लोग देख सकते हैं कि 3-3 क्वेश्चन है, 4-4 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने कोई से ऐड करने होंगे स्टूडेंट। ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोगों ने तीनों याद करने हैं स्टूडेंट। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा, इसमें से भी आप लोगों ने 12 में से कोई से 8 क्वेश्चन करने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर जो 13, 16, 17 और उसके अलावा 18, इसमें से आप लोगों के 3-3 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, और ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 में से 3, 19 में से 4 और 20 में से आप लोगों के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इधर में इधर से भी आप लोगों ने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, और ये आप लोगों के 9 में से करने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। 5 में से आप लोगों ने 3 क्वेश्चन करने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा स्टूडेंट्स, वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 में से पार्ट ए बनेगा, और चैप्टर नंबर 13 में से पार्ट बी बनेगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 14 में से आप लोगों का बनेगा ए पार्ट, और चैप्टर नंबर 15 में से बनेगा आप लोगों का बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का है जी 7, क्वेश्चन नंबर 7 में से 16वें चैप्टर में से पार्ट ए बनेगा, और 18वें चैप्टर में से पार्ट बी बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। और 8वें क्वेश्चन में से 17वें चैप्टर में से पार्ट ए होगा, और 19वें चैप्टर में से पार्ट बी होगा। और उसके अलावा 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, और चैप्टर नंबर 20 में से पार्ट ए होगा, और चैप्टर नंबर 21वें से पार्ट बी होगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हमारी पसंद आई होगी आप लोगों को, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा